संदिग्ध अपराधी को मैं हथियार गिरफ्तार किया। बानसूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बानसूर के कालखाना से एक बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। बानसूर थाना प्रभारी हेमराज सराधाना ने बताया कि गुरुवार देर शाम सूचना मिली कि बानसूर के कालाखाना में एक युवक संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश ली गई तो युवक सूसिया पुत्र विजयपाल यादव निवासी कुलता जयपुर नारनोल के पास एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस की टीम ने बानसूर इलाके में 5 दर्जन यानी 60 बदमाशी युवकों की पहचान कर चिन्हित किया गया है। वहीं चिन्हित बदमाशों की धरपकड़ जारी है। वहीं बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई अभियान जारी रहेगा। वहीं थाना प्रभारी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि ऐसे उनकी नज़र कोई भी बदमाश अवैध हथियार रखता है, खरीदता है, बेचता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, जिससे समय रहते ऐसे बदमाशों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सके। रिपोर्ट सतीश शर्मा।